बिलासपुर में 18 सितंबर 2018 को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तत्कालीन एसपी आरिफ शेख ने 6 बिंदुओं पर एडीएम बीएस उइके को लिखित जवाब दे दिया है। जवाब में शेख ने कांग्रेसियों पर किसी तरह के लाठीचार्ज से इनकार किया है। शेख ने कांग्रेस नेताओं और पुलिस पर अभद्र टिप्पणी धक्का मुक्की करने का भी उल्लेख पत्र में लिखा है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता आज बिलासपुर कलेक्टर संजय कुमार से मिलकर इस मामले की सही जानकारी मांग जांच कर रहे हैं। दंडाधिकारी जांच को लेकर 3 महीने हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस बारे में सीसीटीवी फुटेज सहित दूसरे अहम सबूत पेश कर नए सिरे से पीड़ितों के बयान दिलाए जाने की मांग की है, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो सके। इस मामले में 35 से ज्यादा कांग्रेस नेता घायल हुए थे। कांग्रेस नेता तत्कालीन मंत्री अमर अग्रवाल के घर कचरा फेंकने गए हुए थे। जब सभी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर लौटे तो उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। कांग्रेस सरकार आने के बाद जांच तेज कर दी गई है।